कैसे हैं दोस्त, उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। मैं हूँ निजामुद्दीन अली और आप देख रहे हैं ARPOP डिजाइन। तो आज मैं आपको इस डिजाइन के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इसको ड्राइंग कर लिया है, ठीक है। तो अब इसको मैं मोटा करके इसमें बता दूंगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से मैंने इसको घुमाया है। तो देखिए, इसमें कोई परफेक्ट साइज का वो सिस्टम नहीं है कि पॉइंट इसमें काफी ज्यादा बन जाते हैं, तो इसको आप उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे। बहरहाल मैं जो भी साइज आप रखेंगे तो जहां जहां से घुमाना होगा वो चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो जो चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिए कि मेरा जो भी वीडियो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चले शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, ये मैंने एक साइज रखा है, ठीक है, और किनारे मैंने तकरीबन 2 फीट पे एक मार्किंग रख दिया, ठीक है। एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो भी मैं मार्किंग करूंगा बस थोड़ा सा 4 इंच या 3 इंच के अलग फर्क में आप इसको मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से मैं इसको सेंटर करके जो भी बॉक्स हमारा है ये बना लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मार्किंग है लाइन, ठीक है, इस पे मिला के मार्किंग करेंगे। देखिए इस पे ये जब सर्कल घुमा लेंगे ना तो वही फरमा उठा करके और इधर आएंगे और यहाँ पे मिलाएंगे, हम देखेंगे हमारा कहाँ से मिल रहा है। यहाँ से आएंगे तो यहाँ मिलेगा नहीं, थोड़ा आगे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ से मिल जा रहा है, तो यहाँ पर रख करके ऐसे हम मार्किंग कर देंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम धीरे धीरे आपको सीधा डायरेक्ट मोटा करके हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम इसको घुमाएंगे ऐसे, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे और हम इसको मार्किंग कर देंगे हम ऐसे यहाँ तक। ये आपका हो गया। अब इसके बाद ये हमारा घूम गया, अब वहीं से क्या करेंगे, पीछे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रखेंगे और ये वाला मार्किंग करेंगे हम, देखिए ऐसे, ये यहाँ तक, ये हो गया आपका, ठीक है। यहीं से ये दोनों मार्किंग आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला मार्किंग घुमाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ऐसे रखेंगे और हम ये मार्किंग करेंगे ऐसे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यही मार्किंग घुमाना है, ये जो है ना, ये वाला मार्किंग। उसके बाद आप धीरे धीरे बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे इस पॉइंट पे और ये वाला मार्किंग घुमा देंगे हम ऐसे। तो एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ से जितना बराबर रखेंगे, जैसे यहाँ पे जैसे 2 फीट रख दें या 1.5 फीट रख दें, फिर उधर इतना इधर भी रखेंगे, ठीक है, जितना ये रहेगा उतना इधर भी रखेंगे, तो ये मार्किंग हमारा बराबर बनते हुए चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे आएंगे, ठीक, इस वाले लाइन पे ऐसे पीछे, और यहाँ पे मिलाएंगे और एक मार्किंग हम ऐसे करेंगे इसको, देखिए ऐसे, ठीक है। तो आपका ये मार्किंग हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे घुमाना है तो इसी पॉइंट पे यहाँ पे इसका और इसका सेंटर करके, ठीक है, और यहाँ पे हम रख करके और ऐसे हम मार्किंग कर देंगे, ठीक, देख लीजिए ऐसे। ये चीज घुमाना है तो उसको भी क्या करेंगे, यही से हम घुमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा किनारे आएगा, तो क्या करिएगा आप, किसी चीज से ले करके ऐसे मार्किंग आप ऐसे मिला करके ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे, देखिए ऐसे आप मार्किंग कर सकते हैं, थोड़ा सा रहेगा तो, ठीक है। अब ये घुमाना है तो जहां से ये हमने घुमाई, ये मार्किंग जो घुमाया है ये वाला, देखिए ये वाला हमने, तो यहीं से ये आगे बढ़ा करके और जितना भी चौड़ा यहाँ पर रखना चाहते हैं यहाँ पर मार्किंग कर देंगे, ठीक है। अब इसके सेम अपोजिट सामने जितना यहाँ से ये रहेगा उतना यहाँ से नाप करके यहाँ पे आएंगे, उतना ही इधर, और यहाँ पर रख करके और ऐसे देखिए हम इसमें मिला देंगे ऐसे, ठीक है, देख लीजिए। तो ये भी हो गया आपका, ठीक है, यहाँ तक आप समझ लिए। अब यहाँ से आएंगे क्या करेंगे हम, यहाँ पर आकर के, ठीक है, और इसको हम मार्किंग कर देंगे ऐसे, देख लीजिए ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसको कहाँ से घुमाएंगे, इसी मार्किंग पीछे तकरीबन 2 से 3 फीट पीछे जा करके, जगह के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि उतना पीछे जाए, जगह के हिसाब से आप उसको घुमाइएगा, ऐसे घुमा लेंगे इसको, ठीक है, देख लीजिए। ये मैं सिर्फ मार्किंग आपको समझा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आपको मार्किंग मिलेगा घुमाने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका और इसका आधा यहाँ पे करेंगे और यहाँ पर मार्किंग करेंगे ऐसे इसको, और देखिए हम यहाँ तक इसको मार्किंग कर देंगे ऐसे, ये जगह देख लीजिएगा कितना हमको चाहिए, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इस पॉइंट से आकर के यहाँ पे इसको मिला करके और ऐसे मार्किंग कर देंगे हम, ठीक है, देख लीजिए ये हो गया, ये थोड़ा सा आपका बाहर जाएगा। फिर जैसे हमने यहाँ से इधर बाहर आके इसको घुमाया है, वैसे यहाँ पे इसका 3 भाग करके, ठीक है, इस पे एकदम 2 से 3 फीट पीछे जा करके यहाँ पर आकर के, ठीक है, और इस पे मिला करके और
कागज को ऐसे घुमा देंगे ठीक है नीचे, तो ये आपका ऐसे सामने इसके अपोजिट हो जाएगा। अगर और पीछे करना चाहते हैं तो इसको और पीछे करके मार्किंग कर सकते हैं ठीक है। तो देखिए ये डिजाइन हो गया तैयार, तो मैंने कोशिश किया है कि इसको बनाने के लिए और काफी हद तक समझाने के लिए ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो गया, तो इसको आप इसी तरीके से मार्किंग करके बना सकते हैं। पहले जो रूम का साइज होगा उसको रख करके स्क्वायर में, और ये जो मार्किंग है जैसे मैंने आपको बताया समझाया उसी तरीके से आप वीडियो को देख करके रोक रोक करके और इस डिजाइन को आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप काफी कुछ समझ गए होंगे और आपको ये मार्किंग समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।